मैंने कहा था ना आपसे कि ये पार्टी आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत इंतजार किया मैंने इस मौके का एंड फाइनली इट्स हियर। ऐसा क्या करने वाला है? हाँ सॉरी ठीक तो है ना? इनको होश में आने में टाइम लगेगा बट थैंक गॉड बाल बाल बच गए। कोई घबराने की बात तो नहीं है? डोंट वरी ही इज फाइन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। शुक्र मैंने होनी टल गई रब्बा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लाइव वायर पूल में क्या कर रहा है। किसकी बेवकूफी है ये? सर वो लाइटिंग का काम सब रूडी सर ने देखा था। मैंने रूडी सर से कुछ पूछा भी तो उन्होंने बोला कि किसी को इसके बारे में बताना मत। थोड़ा सा स्पार्क हुआ बस मैं हैंडल कर लूंगा ये। तू किसी को बताना मत। हाँ मदद चाहिए? नहीं नहीं मैं कर लूंगा। मैंने कहा था ना आपसे ये पार्टी आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत इंतजार किया मैंने इस मौके का। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा था कि तुम हमारी पहले वाले रुद्र हो गए हो, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि तुम्हारी नफरत इतनी गहरी है कि तुमने अपने भाई की जान लेने की कोशिश की। उस भाई की जो तुम पे अपनी जान छिड़कता है। देखो क्या हालत। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यही उम्मीद नहीं थी रुद्र। यहाँ हर एक इंसान तुझे इतना प्यार करता है और तुझे ऐसा निकला। अरे क्या हो रहा है इस घर में? भाई दूसरे भाई की जान ले रहा है। भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया। जो मत बोल तू। मैं जानती हूँ तू बहुत पहले से बेचारे शिवाय के पीछे पड़ा है। नहीं। कभी उसे चूड़ा साबित करने के लिए, कभी उसे पागल साबित करने के लिए, कभी उसे डराने के लिए, कभी ये कभी वो, तेरा पागल पन। अरे मैंने खुद देखा था जब सब जगराते में गए थे उस दिन तो तुझे खुद तेज भाई साहब की आवाज से बेचारे शिवाय को डराया था। डरा हुआ होगा वो। और तूने शिवाय के जूतों में राख भी तूने डाली थी ना। अरे तूने देखा था ना मैं चुप रही ये सोचकर कि ये तेरा बचपना है, तू धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि अपनी बाप की मौत का बदला लेने के लिए तू इस हद तक गिर जाएगा। वो जो कह रही हो सच है। हाँ
मुझसे गलती हुई, मैंने भैया से माफी भी मांगी। ओम आपके सामने मैंने माफी मांगी थी भी, मैं ओम मैं कभी नहीं कर सकता हूँ यार, मुझे नहीं पता था वहाँ पे लाइव वायर है, मैं ये कुछ कर नहीं देता, मैंने नहीं किया। हम कैसे मान रहे, अभी अभी खन्ना ने बताया था कि बिजली का काम तो तू देख रहा था और तूने इसे मना किया था किसी को बताने के लिए, हम कैसे मान रहे? मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। क्या गलत मतलब? मुझे नहीं पता मैं आप सबको कैसे प्रूव करूं मैंने नहीं किया। आपको तो मेरे पे भरोसा होगा, मैं भैया के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तो मेरी बात पे यकीन, बोलो ना, बोलो ने मुझे बचपन से जानता है, तुझे लगता है मैं शिवाय भैया के साथ ऐसा कर सकता हूँ? तुझे लगता है मैं शिवाय भैया की जान लेने की कोशिश कर सकता हूँ? बस यार, बस। आपको मेरी बात पे यकीन ना है तो ना करो। मेरे शिवाय भैया को मुझ पे पूरा यकीन, वो जानते हैं कि उनका रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। भैया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी स्टूपिडी की, मैंने आपको पागल साबित करने की कोशिश की, मैंने आपको डराने की कोशिश की, पर भैया जो आज वो कसम थी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। भैया भैया उठो ना, भैया प्लीज कुछ बोलो, इन सबको मेरी बात पे यकीन है, इनको बोलो कि मैंने ये सब नहीं किया। भैया प्लीज उठो। रुड़े, डोंट बी अ क्राई बेबी। आप ठीक है ना? कम है, मैं ठीक हूँ। आराम से। आई एम सॉरी भाई, मैंने वो जानबूझ के धक्का दिया था पानी में, लेकिन लेकिन मस्ती की वजह से दिया था, मुझे नहीं पता था उस पानी में करंट, मैंने बहुत गलतियां की अभी, मैं उन सबके लिए शर्मिंदा भी, लेकिन आप जानते हो मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। इनमें से किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, इनको बोलो मैंने कुछ नहीं किया। बोलो मैं जानता हूं रूड़ी, और जो तूने किया ना वो भी जानता हूं, और समझता हूं मैं उसके पीछे तेरी नादानी थी, तेरा बचपना, और उसके पीछे तेरा गुस्सा, जो बिल्कुल जायज, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, कुछ छुरी का उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन शिवाय फिर हुआ क्यों? मैंने कहा ना हूँ आगे बढ़ते हैं। अनिका देख पुत्र, अब आगे के बारे में सोचो, सब भूल जाओ। मिट्टी पे मैं जरा यहाँ आ जाती हूँ। आप जानती हैं ना, ये जो हुआ वो आपकी वजह से हो, मेरी वजह से? आपकी वजह? बुआ तो वहाँ थी भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं? वही तो, मेरा तेरे एक्सीडेंट से मेरा क्या लेना देना? लेना देना है? आराम से। जानती है ना मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? कि आप हमारी पार्टी में नहीं आए, हमारे माँ बाप के बाद एक आप ही है हमारे पास भगवान, और आप ही ने हमें आशीर्वाद दिए थे कुछ भी नया करेंगे तो उसमें आपके आशीर्वाद के बिना एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा, तुम तीनों के साथ है। सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपके भतीजे की शादी हो रही है। हाँ। अब सब कुछ आपको करना है,
मुझे करना है एडमिट। मुझे करना है आपको। देखूंगी मैं नहीं, देखेगा जमाना। ऐसा खेल खेलूंगी इस बार कि सब देखते रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग नानी। चल जा नाश्ता कर ले। अनिका कहाँ है? अनिका बेटा पूल साइड पे गई है, थोड़ी परेशान दिख रही थी। क्यों? क्यों क्या, शादी में इतने काम होते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, ऊपर से कल रात को। मैंने ही कहा जा तू आराम कर ले, नाश्ता मैं ले जाती हूँ। अरे कहाँ जा रहा नाश्ता तो? दीप, दीप यहाँ क्या कर रही हैं आप? चलिए शादी के जोड़े की फिटिंग्स देखनी है, चलिए। गौरी अभी मेरा मन नहीं। मन नहीं है का मतलब क्या है? अच्छा जब आपको मन करे आप आ जाइएगा। तुम भी करंट मारती हो? अरे मजाक था, it was a joke। क्या हुआ, परेशान हो आने का? शिवाय आप ये शादी रोक दीजिए, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ अपशगुन। मुझे ऐसा लगता है वो जो कह रही है बिल्कुल सही है, हमें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अनिका ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई है कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। पहले हल्दी का लाल होना, फिर मंगलसूत्र का टूटना, और कल तो आपकी जान पे बन आई थी शिवाय। मैं बहुत डर गई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये शादी करेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। ओके फाइन, अगर तुम्हारे दिल में डर बैठ गया है तो एक काम करते हैं, आज जो नानी ने हम दोनों के लिए पूजा रखी है ना, अगर उस पूजा में भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम शादी को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है? लो, इसने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। अब तो मुझे भी इस पूजा का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये पूजा तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी शिवाय। एक सेकंड। क्या है? कुछ नहीं, ऐसे चले। सुनो जो मैंने कहा था वो अभी ओबेरॉय मैंशन भेज दो। अरे मेरी बात तो सुनो, रुद्र सिंह ओबेरॉय समझे, उसके नाम पर भेजना। हवन कुंड अच्छे से साफ कराया ना? जी सर। ओके फूल आ गए? यस सर। फ्रेश है? हाँ जी। ओके तुम जाके प्रसाद चेक करो। कम ऑन। जी सर। सर रुद्र सर के नाम से पार्सल आया है, मुझे तो मैं उसे दे दूंगा। जी नानी, पंडित जी 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है पुत्र, तू इन्हें चाय नाश्ता पूछ लेना, ठीक है? अनिका पूजा के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक? नानी हो जाऊंगी, पहले पूजा की तैयारियां कर लो। पुत्र उसके लिए इतने सारे लोग हैं। चल तू कपड़े बदल के अच्छे से तैयार हो जा। नानी जी मेरे लिए तैयार होना इतना जरूरी नहीं है जितनी ये पूजा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अनिका इतना फिक्र क्यों कर रही है? पुत्र सब ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, घबरा मत। भाभी भैया ने कहा था मेरा कोई पार्सल आया, आपने देखा क्या? पार्सल नहीं। नानी आपने देखा क्या? नहीं, तो शिवाय से ही पूछ लेना पुत्र। भैया ने तो
हुआ है तो हॉल में रखा हुआ है। अच्छा हुआ तू मिल गया। ये धूप पूरे घर में घुमानी है पर मुझे इससे एलर्जी हो रही है। तू कर दे। चलेगा। तुम ये बताओ ये पार्सल अब तक क्यों नहीं पहुंचा? भेजा मतलब कहाँ भेजा? ओबेरॉय मैंशन बोला था। हाँ मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा पार्सल है? नहीं बेटा ये मेरा पार्सल है। भैया ने कहा था मेरे नाम का पार्सल आ रहा है जो हॉल में रखा है। बेटा वो कोई और पार्सल होगा, ये मेरा पार्सल। नहीं नहीं मेरा है। ओए खोतिया। मम्मी जी लोग भगवान को धूप अगरबत्ती करते हैं और तू बुआ को कर रहा है। भाभी दादी। अरे अच्छा हुआ कल्याणी तू आ गई। अरे तेरे बिना ही खुशी बिल्कुल अधूरी थी सच्ची। दादी। दादी। जीते रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। भैया और भाभी दोबारा शादी करो। अरुणा ने मुझे बता दिया था इसीलिए तो आई हूँ। जब हवन कुंड में तेल की जगह ये पड़ेगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा जिसे शिवाय जलकर राख हो जाएगा और इल्जाम आएगा रुद्र पर क्योंकि ये बोतल यहाँ पड़ी मिलेगी। अनिका कहाँ रह गई? लो भाभी आ गई। ओ जाना जी, पूजा शुरू करें। शिवाजी हाँ? आप पूजा के लिए तैयार हैं? हाँ मैं तैयार। बुआ बुआ कहाँ है? बुआ के बिना पूजा नहीं हो सकती। बुआ कहाँ? लो आ गई तेरी बुआ। अब शुरू कीजिए। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर ये डालूंगी नहीं तो जलेगा कैसे? अब शुरू कीजिए पंडित जी। ये लीजिए हवन की आग प्रज्वलित करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंजरेकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ये क्या हो रहा है? मैंने तो तेल डाला था, धमाका क्यों नहीं हुआ? धमाका मेरा मतलब है कि आग नहीं चल रही ना पंडित जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये आग प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही। अनिका अनिका ये कोई अपशगुन नहीं है। ओके मैं तेल लेके आती हूँ। अरे यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? कहाँ? इसे ढूंढ रही है क्या? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।